पुली में साइड ट्रिबल को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए साइड में ट्रिबल ना करे, इसलिए जो है किया जाता है ऑन द पुली। बी नंबर में कहता है कि टू प्रिवेंट एक्सेसिव वियर एंड टियर ऑफ वाइंडिंग रोप, जो वाइंडिंग रोप की एक्सेसिव वियर टियर घिसाव होती है उसको रोकने के लिए, टू अलाउ मैक्सिमम पर्सन टू ट्रेवल एट ए टाइम, मैक्सिमम पर्सन को एक ही समय में ट्रेवल करने के लिए। डी नंबर कहता है इट अलाउ यूज ऑफ रोप हैविंग लेसर डायमीटर, रोप का लेसर डायमीटर यूज करने के लिए, अलाउ करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट अलाउ मिनिमम स्लिपेज को रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों अभी मैं पिछले 6 मिनट की जो वीडियो थी मैं में जो है स्लिपेज, स्लिपिंग एक वर्ड जो रेगुलेशन 78 का ही आपका जो है 6वां नंबर था जिसमें स्लिपिंग की बात किया है, और ये जो वियर और टियर की बात किया है वो उसमें रेगुलेशन में तो लिखा नहीं है वियर टियर, लेकिन ये मैं मतलब बोर्ड में आपको समझाने का प्रयास किया था कि रोप की वियर टियर होती है दोस्तों। तो यहां पर ये साइड ट्रेवल भी हो जाती है किसके लिए, फ्लेंजेस जो है घिसने लगते हैं सीव के जब ज्यादा रहती है 1.5 डिग्री से अधिक, तो इसकी भी संभावना बनती है। लेकिन आपको ये नंबर और साथ में जो ई नंबर है और बी नंबर है, अगर ये तीनों एंसर देता तो आपकी राइट हो जाती, लेकिन आपको एक ही चूज करना है। तो इसमें टू प्रिवेंट एक्सेसिव वियर एंड टियर ऑफ वाइंडिंग रोप को चूज करते हुए आप आंसर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन जब भी मैं कहता हूं कि जब भी आपकी कंफ्यूजन होती है ऑप्शन को टिक लगाने में, तो आप दोस्तों माइनस मार्किंग के चलते उसमें टिक नहीं लगाइए, उसको छोड़ करके आप भले ही उस प्रश्न के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन प्रश्न अगर गलत छप गई है तो उसको आप टिक नहीं लगाए दोस्तों, उसको छोड़ करके आप आ जाइएगा। प्रश्न गलत अगर सिद्ध होती है, सही में सिद्ध होती है, तो आपको फुल मार्क्स उस प्रश्न पर मिलेगी दोस्तों। तो काइंडली आप प्रश्न जो गई है उसका डाउट आपको बहुत अच्छे से, मतलब कि उस प्रश्न की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, फिर भी लेकिन उस प्रश्न पर आप टिक लगा नहीं दोस्तों, अपने मन को कंट्रोल कीजिएगा। मन को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, टिक नहीं लगाते हैं, तो आपको उस पर मार्क्स अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो हम लोग 98 प्रश्न पर आते हैं, मैं यहां पर समझाने का प्रयास किया हूं, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। ये जो है हेड गियर पुली है जिस पर जो है सीव भी बोलते हैं, और ये जो है ड्रम है, वाइंडिंग ड्रम जिसको बोलते हैं, जिसकी एक्सट्रीम पोजिशन पर ये रोप अभी दिखाई दे रही है। एक दूसरी लपेटन है, रोप है जो यहां से होकर के जाती है, जो दूसरी सीव या पुली के ऊपर जो है जाती है, जैसा कि कुएं में घिरनी होती है जिसके सहारे रस्से जो है नीचे ऊपर की ओर आते हैं, वही उसी आकार का, उसी शेप का, उसी साइज का तो नहीं कह सकते, साइज बड़ी रहती है लेकिन उसी शेप का रहती है हेड गियर पुली जो हमारे शाफ्ट में रहता है। तो ये यहां पर एक डैश लाइन से मैं शो किया हूं जो कि एक वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन जो कि मैं दिखा रहा हूं, जैसा कि आपके सामने एक स्क्रीन भी दिखाई दे रही है तो वो वर्टिकल प्लेन कह रहती है, लेकिन जो फ्लैट, जो आपके सामने कीबोर्ड नहीं दिखाई दे रही होगी लेकिन फ्लैट पोजीशन पे जब रहती है तो उसको जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो ये वर्टिकल प्लेन के साथ जो रोप होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर रहने पर जो एंगल बनाती है उसी को बोलते हैं फ्लिट एंगल, जिसको संबंध में 3 में दिया हुआ है, सब रेगुलेशन 78 का 3 में दिया हुआ है कि वो 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके संबंध में प्रश्न पूछा है दोस्तों। अधिक होने पर क्या हो जाती है, रोप का वियर हो जाता है, पुली के फ्लेंजेज का वियर होता है, ड्रम पर रोप ओवरलैप होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये रही रेगुलेशन 78 का पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ये 98 क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या कहता है कि द माइन हैज 4 डिस्ट्रिक्ट, एक माइन में 4 डिस्ट्रिक्ट है, द मेजर ऑफ क्वांटिटी शोज दैट, क्वांटिटी उसमें शो किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया हुआ है, 4 डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, क्वांटिटी क्यूबिक मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, 55, 65, 35, 45 दोस्तों। यहां पर मैं वैल्यू को बदल दिया हूं दोस्तों, आपका जो प्रश्न दिया हुआ था 98 में वो वैल्यू को मैं बदल करके आपके लिए प्रश्न रखा हूं दोस्तों, कि इस टाइप का अगर प्रश्न पूछता है तो आप क्या दे सकते हैं, इसलिए इसमें आंसर शायद मैच नहीं करे, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करना सीखिए दोस्तों कि कैसे निकलती है क्या चीज। यहां पर देखिए निश्चित में दिया, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर एंटरिंग इन द माइन इज 210 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, यानी कि माइन में जो हवा टोटल घुस रही है वो 210 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, और फाइंड करना है वीईक्यू, वीईक्यू क्या होती है दोस्तों, वेंटिलेशन इफिशियंसी कोसेंट। यहां पर सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों कि वेंटिलेशन इफिशियंसी कोसेंट वीईक्यू क्या होती है दोस्तों। वीईक्यू जो है आपका हवा जो खदान में घुस रही है, माइंस में जो घुस रही है, उसकी मात्रा के रिस्पेक्ट में फेस के पास कितनी हवा पहुंच रही है, इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है वेंटिलेशन इफिशियंट कोसेंट वीईक्यू। फेस पर पहुंचने वाली हवा की मात्रा बटे में
माइंड में एंट्री करने वाली हवा की मात्रा, ये हो गई कौन सी फेस के लिए, पूरी माइंड के लिए जब हम लोग VEQ निकालते हैं। एक दूसरी कंडीशन बचती है दोस्तों कि एक माइंड में कई डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करने वाली जो हवा की मात्रा है वो वहां पर कितनी पहुंच रही है, उसकी मात्रा बटे में जो है हम माइंड में प्रवेश करने वाली जो हवा की मात्रा उसको डिवाइड करते हैं और 100 से गुणा करके परसेंटेज के रूप में निकालते हैं दोस्तों, तो वो कहलाती है VEQ, वेंटिलेशन इफिशियंसी क्वोशेंट। तो ये प्रतिशत जानने की तरीका है दोस्तों। हम लोग जो है यहाँ पर जो प्रश्न दी हुई है, माइंड में एंट्री कर रही है हवा कितनी, 210 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, और जो डिस्ट्रिक्ट है चारों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दीजिए जो उसके डिस्ट्रिक्ट के माउथ के पास पहुंच रही है। तो जोड़ने के बाद मैं देखिए दोस्तों 200 निकाला हूं, यहां पर VEQ लिख दिया हूं, टोटल एयर क्वांटिटी रीचिंग इन टू दिस डिस्ट्रिक्ट में जो पहुंच रही है हवा की मात्रा उसको ऊपर में रखना है, और एंट्रिंग माइंड में एंट्रिंग जो हवा हो रही है एयर क्वांटिटी उसको नीचे में रखना है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 200 बटे में 210 इनटू 100 कीजिएगा तो 95.24% है दोस्तों। यहां पर 95.25 नहीं है दोस्तों, इसलिए नन को आंसर टिक लगाते हुए आगे बढ़िएगा दोस्तों। यहां पर मैं बता चुका हूं कि ये जो ऑप्शन, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को मैं बदल चुका हूं, और आपके जो प्रश्न में पूछे हुए थे दोस्तों, इसलिए यहां पर नन ऑप्शन दी थी इसलिए टिक लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रश्न जो बनाना है वेंटिलेशन इफिशियंट क्वोशेंट को सॉल्व करना है, फॉर्मूला इसी को यूज करते हुए आप सॉल्व करिएगा दोस्तों। अब आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, ये रही 99। मैच द फॉलोइंग, यानी कि टेबल जो दी हुई है उसमें कॉलम ए में सब्जेक्ट दिया हुआ है और दूसरा में कॉलम बी में वह फॉर्म दिया हुआ है। यहां पर डायरेक्ट लेजिस्लेशन से प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों, तो ओवरमैन के दोस्तों, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास के मैनेजर के दोस्तों, जो सब्जेक्ट आप दे रहे हैं ऐसे प्रश्न आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। नोटिस ऑफ डिस्कंटिन्यूअस कौन से फॉर्म में दी जाती है, तो जो भी नोटिस जो आपके रेगुलेशन 3, 4, 5, 6 में जो रेगुलेशंस दिए हुए हैं दोस्तों, उनका जो नोटिस है फॉर्म 1 में, आप यहां पे देखिएगा नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशंस जो होती है 1D में दी जाती है दोस्तों। आप ये याद रखिएगा, ये कट पेस्ट करके मैं पहले ही जो है वीडियो में लोड कर दिया हूं, एक टेबल बना करके लोड किया हूं जो कि यहां पर दिखाई दे रही है लिंक, इसमें जो है आपको जाइएगा तो वो जो है बहुत अच्छे से समझाया हुआ है फॉर्म कौन से हैं और किसके लिए दिए जाते हैं, कौन से रेगुलेशन के अंतर्गत दिए जाते हैं। https://u2.beigegv9u50s, ये मेरी YouTube चैनल की लिंक है दोस्तों, इस लिंक पर जाएगा तो ये जो है फॉर्म और रेगुलेशन और किसके लिए दिए जाते हैं उसके संबंध में बताया गया है दोस्तों। अब यहां पर देखिए कि आपकी ये जो है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन 1D हो गई, तो आपके 2 नंबर के बाकी जो है 2D, 2B, 2D, 2E जो है दिए हुए हैं, तो नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर 2B वाले आप जैसे ही आप कहे कि 1D है 1 का, तो 1 का 1D देखिए यहां पर B में दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर सॉरी नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन किसमें है, 1D में है, तो 1D में B नंबर होगी, तो B नंबर यहां पर किसकी है, C की है, तो C की चांसेस यहां पर बन जाती है, और ये C और E जो है 1C वन का बी है, तो ये सी की चांसेस बन जाती है और डी की चांसेस बन रही है, तो डी और सी और डी में जो है आप कंपैरिजन करते हुए 2 का सी होगा या 2 का ए होगा आप दे सकते हैं। तो नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर जो है आपको, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर ये 2 का सी जो है फॉर्म 2D में दी जाती है, नोटिस ऑफ मैनेजर की अपॉइंटमेंट की नोटिस 2D में दी जाती है, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन जो है उसकी जो नोटिस है वो फॉर्म 2E में दी जाती है, और नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप ऑफ द माइन जो है वो आपकी बची 2B में दी जाती है। तो इस तरह से जो आपका आंसर आंसर सी है इसको आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह से मैचिंग करके आप फॉर्म आप याद रखिए और अपना आंसर दीजिए दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए, इन अंडरग्राउंड माइन द पर्पज ऑफ व्हाइट वॉशिंग का उद्देश्य क्या है, ये जो है आपको जानना है दोस्तों। तो डस्ट एक्सप्लोजन को, कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, स्पॉन्टेनियस सीटिंग को रोकने के लिए, इंप्रूव लाइटिंग के लिए, बोथ 2 और 3, यानी कि प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस सीटिंग को रोकने के लिए और इंप्रूव लाइटिंग के लिए दोस्तों। यहां पर मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ देता हूं दोस्तों, आप ये करने का प्रयास कीजिए कि व्हाइट वॉशिंग किसके लिए इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड की जो क्वेश्चन थी, मैं 100 क्वेश्चंस को डील कर चुका हूं, वीडियो आज के बाद मैं अपलोड करते हूं, लेकिन कल से मैं जो है ओवरमैन का जो सॉरी
जो सेकंड क्लास मैनेजर का जो रिस्ट्रिक्टेड वाले क्वेश्चंस है, जो 80 नंबर क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको अपलोड करूंगा दोस्तों। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए शेयर करते हुए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए दोस्तों कि आपको कौन सी चैप्टर, कौन सी कंटेंट पढ़ना या क्या डाउट है, जो मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ताकि आपको समझ आए और अपने एग्जाम में पास करके सर्टिफिकेट गेन करिए दोस्तों। साथ ही जो है जो वैकेंसी निकलती है अदर अदर सब्सिडरीज की, उसमें आप पास करके अपने ज्वाइनिंग को पक्का कीजिए दोस्तों, नौकरी को पक्का कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।